जाट समाज ने आरक्षण के मैटर पे हमने मेरठ में जाट महासभा की बहुत बड़ी मीटिंग करी और उसमें डिमांड थी जिन स्टेटों को आरक्षण है स्टेट में है और सेंटर में नहीं है उनको आरक्षण इमीडिएट दिया जावे, जिसके अंदर स्टेट भी एमपी है, यूपी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में भी नहीं है और सेंटर में भी मांग कर रहे हैं दोनों जगह की। इसी तरीके से अभी तालकटोरा में एक बहुत बड़ी मीटिंग करी, उसके अंदर एक नया संगठन बनाया गया जिसमें मराठा और गुजर और सब बिश्नोई सब लोगों ने मिलकर के एक संगठन ये भी बनाया हमने। तो इसमें भी हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर के ये आरक्षण का जो झंझट है जगह जगह का, इसको इक्वल सब जगह सबको दिया जाए और किया जाए। अभी अभी हमारे बिश्नोई महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई देवेंद्र जी, जो हमारे भाई हैं बिश्नोई भी, उन्होंने मुकाम से पैदल यात्रा चालू की है और वो कल 5 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे शाम को। मेरी उनसे बात हुई तो हम भी उनको समर्थन देते हैं, जाट समाज हिंदुस्तान का उनके साथ है, समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा हरियाणा के जाटों ने समर्थन दिया है, मैं कहता हूँ हरियाणा नहीं, हम भी दे रहे हैं। और दिल्ली में भी युद्धवीर जी हमारे महासचिव ऑल इंडिया के, उनसे बात हुई तो वो शायद उनसे मिलके भी आएंगे कल, और हम समर्थन दे रहे हैं उनको भी साथ में, उनको नहीं, हम तो सब कौमों को, सब जातियों को, इनको गुजरों को यहाँ मिला, सेंटर में नहीं मिला, ऐसा कुछ आ रहा है उनका, उनका हो, मराठा का हो, गुजरात के जो पटेल है उनका हो, महाराष्ट्र का, मराठा का हो, यहाँ के जाटों का हो, या बिश्नोइयों का हो, या गुजरों का, जो भी है, हम सबके सहयोग में, सबके साथ हैं। हमारे को आरक्षण मिला 99 में, 2000 में या 99 जब भी मिला, उसके बाद कई कौमें बच गई थी, जैसे बिश्नोई उसके बाद में आए, हमने इनका सहयोग किया, सरदारों को जट सिख का इसके बाद में आया, हमने इनका सहयोग किया। हम तो चाहते हैं कि सबको आरक्षण मिले, सबको रहे, और ये आंदोलन हमारा जारी है, चालू है। 13 तारीख ने हमारी संगठन जो है उसकी कार्यकर्ताओं की मीटिंग दिल्ली में रखी हुई है, युद्धवीर जी से बात हुई मेरी, तो हम 13 तारीख ने वहाँ सब इकट्ठे हो गए, वो आगे कोई उसमें फैसला लेंगे और कोई डिसीजन लेंगे, फैसला करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये सरकार से डिमांड है, हमारी मांग है, और भाई देवेंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ कि इतने लंबे पैदल चल के गए हैं, तो इनका काम ज़रूर होगा, हम आपके साथ में हैं, जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये जो जातिगत जनगणना की हमारी मांग है और ये होनी चाहिए, क्यों नहीं हो इस जातिगत जनगणना के अंदर, भाई मालूम तो होगा हम क्या हैं, किस जगह हैं, कितने हैं, कौन कितना है, किसकी क्या है। आज जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ SC ST की जो है, यहाँ MLA SC का 2 बढ़ा दिए और ST का 1 बढ़ा दिया, तो इनकी गिनती के मुताबिक इनको आरक्षण भी बढ़ जाना चाहिए, जो जिसका हक है वो मिलना चाहिए और मिल जाए। हम तो कहते हैं जातिगत जनगणना हो जाए और जो जिसका हक है वो मिले, सबको मिले। आज जनरल जो है वो 12-13% टोटल है और उनको 10% आरक्षण हो गया उनका, हो गया। हम तो कहते हैं बराबरी कर दो ना, जो 12 है तो 12 करो, 13 है तो 13 कर दो, वो 15 है तो 15 ही दे दो, सबको ही दे दो ना, आप का हिस्से का, ताकि इसमें कौन किसका खा रहा है ये झंझट ही खत्म हो, और एक दूसरे के साथ कोई बेईमानी करे ही नहीं, बेईमानी पे आवे ही नहीं, ये मौका ही नहीं आए। तो हम सब कौम 36 कौमों के साथ हैं, 36 कौम हमारे साथ हैं और हम साथ लेके चलना चाहते हैं, हम साथ में हैं और ये देवेंद्र भाई के हम फेवर में हैं और हम इनको समर्थन देते हैं। धन्यवाद।